है मुहर्रम, 11 मुहर्रम हो गया है, आज हम संडे का दिन है, आज भी छुट्टी थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल आप सबका, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो आज 9 मुहर्रम है आपको जैसे कि पता होगा सबको, तो मैं बस तैयार होकर जा रही हूँ अपनी बाजी की तरफ। मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना, उनके घर के पास ही जो है ना कब्रिस्तान है, जहाँ मियाँ पुर की कब्रें भी हैं, तो मैं उनकी तरफ जाऊँगी, बाजी की तरफ। वहाँ पर दूसरी सिस्टर्स भी इकट्ठी हो रही हैं, तो हम सब मिलकर जो है ना फिर वो जाएँगे कब्रिस्तान के अंदर, क्योंकि 9-10 मुहर्रम को लाजमी जाना चाहिए। जो उनके भी प्यारे जो है वो दुनिया से जा चुके हैं, तो आप आगे पीछे नहीं, कम से कम मुहर्रम में जाएं तो इसका सवाब भी है, उनको भी खुश होते हैं कि हमारे जो है वो अपने हमारे पास आए हैं। तो बाकी रूटीन में तो इंसान इतना मगन हो जाता है कि वक्त ही नहीं निकलता दाएँ बाएँ मुँह करने के लिए। तो ये हमने जो है ना सारी बहनों ने डिसाइड करके ना ये दिन रखा हुआ है कि जिस दिन जो है ना हम इकट्ठे होकर जो है ना अपनी अम्मी अब्बू की कब्र पे हम जाते हैं, वहाँ उनके लिए दुआ करते हैं कि मफरत की। तो बस मैं निकलती हूँ, अब्दुल हादी मेरे साथ जा रहे हैं, इसके बाबा घर भी रहेंगे, तो वहाँ पर बाजियाँ सारी इकट्ठी हो रही हैं, तो फिर आगे का भी लोग आप देखिए हमारे साथ रहिएगा जी। तो यहाँ पे मैं और अब्दुल हादी जो है वो बस निकल रहे हैं, हमारा रिक्शा बाहर आ चुका है और तकरीबन जो है दोपहर के 2 बजे का टाइम है, तो अभी जाकर जो है ना हमने लंच वहाँ पे करना है, क्योंकि बाजी ने जो है ना वो खाने वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है। तो खाने में क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से दही भल्लियाँ, और यकीन तो इतनी मज़े की दही भल्लियाँ बाजी ने बनाई हुई थी कि बहुत ही यमी थी। मुझे इनके हाथ की दही भल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में चनों वाला पुलाव था न्याज के लिए उन्होंने बनाया, साथ में चिकन कढ़ाई थी और नान शान रायता शायता, तो खाना बहुत मज़े का था। इवन हादी ने बहुत जो है ना इन्जॉय किया, और बाद में जो है वो खा कर तो वापसी पे पैक भी करवा के सारा जो है ना वो साथ लेकर आया, क्योंकि चिकन कढ़ाई स्पेशल जो है ना उसने अपनी फरमाइश पर बनवाई थी, तो कहता कि चिकन कढ़ाई खा ला आपने बहुत अच्छी बनाई है तो मुझे साथ भी दे दें। ये तो ये नेक्स्ट जो है वो 11 मुहर्रम का व्लॉग भी साथ ही मैंने ऐड कराया था, तो छोटे छोटे क्लिप्स थे पीने का, चलें आपके लिए जो है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे आज मौसम जो है ना बहुत प्यारा हो रहा था बाहर, तो विंडो से मैं उसको देख रही थी। व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मुहर्रम 11 मुहर्रम हो गया है, आज संडे का दिन है, आज भी छुट्टी थी, लकीली आज 3 छुट्टियाँ हमें इकट्ठी मिल गई हैं। तो आज मेरे घर पे आ रही है मेरी जो है ना 2 बड़ी प्यारी बहनें, वैसे तो मेरी काफ़ी ज़्यादा बहनें माशाल्लाह से, हम 8 बहनें हैं, तो 2 बहनें जो है ना वो आ रही है, एक जो है ना वो थोड़ी दूर से आई हुई है कोर्ट राधा किशन से, कमोबेश आती है, तो फिर उसको मैंने बुलाया कि मुहर्रम में छुट्टियों में आई बच्चों को लेके, तो चलो मेरी तरफ भी लगा लो चक्कर। तो जिसकी तरफ वो रुकी हुई है साथ वो भी सिस्टर होगी, तो वो होंगे उनके साथ बच्चे होंगे, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ किचन में। तो किचन में अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, बस अभी से की है, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। तो अब मैं यहाँ पे बर्तन निकालूंगी शौके से, सबसे पहले सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, मेरी हाउस हेल्प जो आई थी, बर्तन निकाल के रख लेती हूँ, फिर थोड़ा आसान हो जाता है काम करना बाकी का। तो खाना तकरीबन हाफ जो है ना मेरा बन गया है, तो चावल मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं चनों वाला पुलाव न्याज के, तो कह रही थी कि हम वही खाएँगे, तो साथ मैंने जो है ना ग्रेवी बना ली है, सालन बना लिया है, साथ जो है ना एक दो चीज़ें और हैं, तो बस जो है ना ये हमारी सिंपल सी दावत होगी। तो बहनें आएँ तो फिर बंदा इतना एहतमाम में नहीं पड़ता कि चलो अपनी बहनें ही हैं चल जाएगा, जो खाना रूटीन में है वन डिश से हम काम चला लेते हैं, तो बस हमने भी फिर वन डिश ही कर ली है। तो कोई और मेहमान हो तो फिर हम ज़्यादा तकल्लुफात में पड़ जाते हैं, तो बहनें समटाइम वो खुद भी कहती हैं कि भाई ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना, तो ईज़ी ईज़ीली जो गर्मी में बन जाए तो वो तुम कर लो। तो चले मैं सबसे पहले अपने बर्तन शर्तन निकाल के रखती हूँ, और उसके बाद फिर किचन में खाने को जाके देखते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से फिर मैंने शोकेस में से बर्तन जो थे खाने के सारे निकाल के टेबल पे रख दिए, फिर आकर उन्होंने खुद ही जो है ना टेबल पे बर्तन जो है सारे सेट कर लिए थे, तो मेरी बहनें इस मामले में अच्छी हैं, सारी हेल्प कर देती हैं। तो इसी दिन शाम को जो है ना वो मेरी तबीयत भी जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, मैं मुझे हैजे का जो है ना वो मसला हो गया था, तो रात को बड़ी जो है ना मेरे पेट में दर्द और गैस और बड़ी बोझल सी तबीयत मेरी गई सुबह। जी तो ये फिर ना मेरा गोश्त जहाँ पे गल चुका था, तो ये पूरा गल चुका था, इसमें थोड़ा सा पानी था, इसको मैं अलग से सुखा रही हूँ, तो ये ग्रेवी खुश्क होगी ना, इसके अंदर मसाला डाल दूँगी, फिर इसकी भुनाई करके दोबारा से इसमें थोड़ा सा
हल्का सा ग्रेवी रखेंगे। लेकिन इस स्टेज पर अगर पानी होना तो भाई इसको रख करके सुखा लें, अगर गोश्त आपका पूरा गल गया हो, अगर इसी में मिलाती सुखाती ना पानी तो गोश्त मेरा मजीद जो है ना वो ज़्यादा ही गल जाता। तो ये थोड़े बड़े से ट्रिक्स होते हैं किचन के जो हम करते रहते हैं। बस थोड़ी देर में ग्रेवी खुश्क हो जाती है, फिर देगची में डाल के इसकी बुनाई करते हैं घी डाल। तो यहाँ पे पानी जो है ना इसका सारा खुश्क हो गया तकरीबन। यहाँ पे अब मैं थोड़ी देर बाद इसमें जो है ना कुकिंग ऑयल डाल के इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी। तो ये बेसिकली मैंने जो है ना रांध का गोश्त लिया था, तो उसमें नली वाली बोटियाँ भी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इनके अंदर मिक जो होती है ना वो बहुत ही मज़े की होती है। एक की जो है ना बोन ब्रेक हो गई थी, फिर मैंने उसमें से मिक निकाल के ना खा ली थी। बहुत ही मज़ेदार सी होती है, मुझे खैर बहुत पसंद है इस तरह से मिक निकाल के खाना। जी तो अब आपसे चाहेंगे यहीं पर इजाज़त, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।